वीडियो में जिन्होंने भी ये शेयर किया है, मैंने बहुत तह तक जाने की कोशिश हालांकि किया कि जो लोग बोल रहे हैं शायद आप लोग सही हो, मैं गलत हूँ। इसमें तो पहले भी कोई डाउट नहीं है कि मैंने कोई गलत अफवाह फैलाई है, आप मैं गलत बोल रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको जिस वीडियो पे आपको बिलीव करना है आप वहाँ पे उसकी बातों को बिलीव करें। मैं यहाँ पे फोर्स आपको नहीं करूँ कि मेरी बातों पे ही आप बिलीव करो, और नहीं वीडियो में कोई निगेटिविटी मैसेज आप डालें प्लीज़, इनसे लोगों को और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो आप अगर वीडियो पे आए हैं और अगर आपको लगता है ये गलत है तो कमेंट ऐसा ना करें कि लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो। पहले आप सच्चाई जान लें, उसके बाद आपको जिनकी बातों पे विश्वास करना है आप विश्वास कर सकती हैं। अगर वीडियो मेरी अच्छी ना लगे तो आप स्किप कर लें, लेकिन प्लीज नेगेटिव कमेंट यहाँ पर न फैलाएं। मैंने इस वीडियो में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, मैंने ये सिर्फ नॉलेज अपना जो मेरा था शेयर इसलिए किया है कि जिनको पहले से लड़की है वो उन्हें लड़का की चाहत होती है, और जिन्हें लड़का है उन्हें लड़के की चाहत होती है। तो मैंने तो इसमें दोनों जानकारी दी है कि आप इस डेट को अगर लड़का की चाहत रखते हैं तो लड़का कंसीव कर सकते हैं, अगर आप लड़के की चाहत है आपको बेबी गर्ल चाहिए तो आपको इस डेट में कंसीव करेंगे तो बेबी गर्ल मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो मुझे जानकारी थी मैंने सिर्फ शेयर किया, क्योंकि किन्हीं को सिर्फ लड़कियाँ होती हैं तो उन्हें लड़का की चाहत होती है, और जिन्हें लड़का होता है उन्हें लड़की की चाहत होती है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तो बहुत सारे कमेंट इस तरह के आ रहे हैं कि भेदभाव ना करें, इनकरेज करें। तो यहाँ पे आप पहले वीडियो को, मेरी वीडियो को आप अच्छी तरह से पहले देख लें कि मैंने यहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेशन किया है। और भी कमेंट आए हैं कि आप गलत बता रहे हो। तो यदि आप सिर्फ मैथ बनाना चाहती हैं, सिर्फ ओड और इवन नंबर तक ही सीमित रहना चाहती हैं, तो आप और जो वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं आप उनकी बातों को फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला है, बताया है, सच किया है। क्या किन्हीं का एक्सपीरियंस रहा है आप जाकर के उस वीडियो पे कमेंट करें कि आपने एक आपका एक्सपीरियंस है कि आपके फैमिली मेंबर में किसी ने ये फॉलो किया और उन्हें ये सच हुआ है। आप उन्हें कमेंट करके पूछें, अगर सच हुआ तो आप उन्हें फॉलो करें, और विदाउट अगर आप बिना सोचे समझे किसी की भी वीडियो पे जा करके आप, क्योंकि वीडियो में यही है यूट्यूब पे कि यहाँ पे सच भी डाली गई है और गलत भी डाली गई है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि किसको सच माने किसको झूठ माने। तो मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है बिल्कुल सच बताया, एक भी बात पे आप डाउट ना करें, क्योंकि मेरा सेकंड बेबी 11th डे का है। अब 11 नंबर पीरियड के बाद से मैंने काउंट किया है, कैलेंडर की तारीख से नहीं काउंट किया है। आप अगर कैलेंडर की तारीख पे जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5 तो आप इसमें उलझ कर रह जाएंगी, आप ओड इवन करते रह जाएंगी और आप जो चाहेंगी वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पहले बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया है। लेकिन मेरी वीडियो में मैंने कोई कन्फ्यूजन नहीं रखा है, मैंने बिल्कुल क्लियर बताया है कि आप पीरियड के बाद से काउंट करें, पीरियड जब जिस दिन से स्टार्ट होती है उस दिन से काउंट करना है, पीरियड के बाद नहीं, पीरियड जिस दिन स्टार्ट होती है उस दिन से काउंट करना है, पाँचवें दिन के बाद से, पाँचवें दिन कंसीव करना है, सातवें दिन करना है, नौवें दिन करना है, 11वें दिन करना। तो ये सारे हैं ओड नंबर, और इस ओड नंबर पे बेबी बॉय ही होगा। ये 100% मेरा चैलेंज है, बिल्कुल बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि मैंने कंसीव किया है, मेरा 11th डे का सेकंड बेबी है। मैंने ये भी उस वीडियो में बताया आपको मेरा फर्स्ट बेबी बॉय है, तो मुझे सेकंड बेबी गर्ल चाहिए था, लेकिन मुझे फर्स्ट बेबी के बाद ये बातें पता चली कि ओड नंबर पे कंसीव करने पर बॉय होता है। तो मैंने सिर्फ इसे अजमाने के लिए किया था, बॉय हो गया तो भी ठीक, गर्ल हुआ तो बल्ले बल्ले। तो मैंने यहाँ पे ओड नंबर को ही कंसीव किया था और मुझे बॉय हुआ। अगर मैं गलत होती आपकी कथनानुसार कि ओड नंबर पे गर्ल होती है तो मुझे फिर गर्ल होना चाहिए था, फिर मुझे बॉय हुआ, तो मैं कहाँ पे गलत हूँ? अब आप सोचो इस वीडियो में मैंने कौन सी बातें आपको गलत बताई है।
इस वीडियो में जिन्होंने भी ये शेयर किया है, मैंने बहुत तह तक जाने की कोशिश हालांकि किया कि जो लोग बोल रहे हैं शायद आप लोग सही हो, मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो तह तक, मैं उसके रूट तक, जड़ तक नहीं पहुंच पाई। मेरी कोशिश लगातार बनी हुई है, किस बुक में से एक प्रति ली गई है, किन्होंने स्टार्ट किया, ऐसी अफवाहें क्यों उड़ा दी, लोगों को कन्फ्यूज क्यों कर दिया, मैं उसके तह तक पहुंचने की मेरी कोशिश जारी है। जिस दिन मुझे पता चलेगी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, बट मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने आपसे शेयर किया, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। आप आँख बंद करके बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ही नहीं, अगर मैं गलत होती मान लो तो मेरी एक फ्रेंड ने जो ओल्ड वुमैन से, उसे भी पता चला था, उसने भी ओल्ड नंबर को ही कंसीव किया और उसने दो दो बार कंसीव किया ओल्ड नंबर को, दोनों बार उसे बेबी बॉय हुआ। अब आप बताइए कि कहाँ पर ये गलत है। अगर गलत होता तो एक बार गलत होता, मान लो तारीख ही इधर उधर हो जाए, क्योंकि 12 बजे 2 बजे रात में इस वजह से सुनते हैं, किसी की वीडियो में तो भी बताया गया है कि दो एक घंटे आधे घंटे से भी फर्क पड़ता है और आपको गर्ल की जगह पे बॉय की जगह पे गर्ल हो सकती है। तो उसने दो दो बार किया, उसे दोनों टाइम में बॉय हुआ, फर्स्ट बेबी उसका गर्ल है, फिर दोनों टाइम उसने बॉय चाह, फिर पहला बेबी गर्ल और दोनों बेबी फिर बॉय, यानी उसके थ्री चाइल्ड हैं और दोनों बार उसे बॉय ही हुआ है। अगर गलत होता ये ट्रिक तो फिर उसे तो गर्ल होना चाहिए था ओड नंबर में, क्योंकि उसने कंसीव किया था, उसके अनुसार मैंने भी ओड नंबर में ही कंसीव किया, मुझे भी बॉय हुआ ओड नंबर में, तो फिर ये गलत कैसे हो सकता। आप जिस वीडियो पे भी जा रहे हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करें, पूछें कि क्या आपने फॉलो किया है, आपके फैमिली में किसने ट्रिक को फॉलो किया है, आपके यहाँ ये क्या है, सही हुआ है ये ट्रिक, तो आप मुझे कह सकती हैं कि मैं गलत हूँ। आप एक बार ट्राई करें, जानने की कोशिश करें, इसकी सच्चाई पहले जान लें कितना सच है। लोगों ने कह दिया और आँख बंद करके सुन लिया, फिर तो आपका वही मन का बात मन में ही रह जाएगा, आप जो चाहती हैं वो तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं। मैंने कंसीव किया, मेरा सही हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है, तब मेरी वीडियो पे, मेरी बताई गई बातों पे आप विश्वास कर सकते हैं, आपको बिल्कुल 100% बेबी बॉय ही होगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो आप मन में कोई डाउट ना रखें, आप क्लियर हो करके बिल्कुल विदाउट कन्फ्यूजन आप कंसीव कर सकती हैं ओड नंबर में, बिल्कुल 100% बेबी बॉय ही होगा। और मैं उस बुक तक जहाँ से लोगों ने एक न्यूज बढ़ा रहे हैं, लोगों में फैला रहे हैं गलत फहमियाँ, मैं उस बुक तक जरूर पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन मुझे सच्चाई मिलेगी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो पे आप विश्वास करें, मेरी कही गई बातों पर विश्वास करें और इसे फॉलो करें विदाउट डाउट। और अगर मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।